और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले बीजेपी नेता मिले थे चुनाव आयोग से, क्या कह रहे हैं। वी हैव साइटेड टू द इलेक्शन कमीशन सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, whereby it is possible for the election commission to impose the model code of conduct 6 months before the actual polling date. We have said that probably these are extraordinary circumstances in West Bengal, and because of that the model code of conduct should probably apply as soon as possible, even well before it is done in normal cases. Would you also be making this appeal for the Central Paramilitary Forces to be deployed in? It is a routine fact that Central Paramilitary Forces will be deployed, and of course they will be deployed. We are also suggesting that certain guidelines and certain precautions be taken to see that the effectiveness of the Central Paramilitary Forces is not subverted. Based on certain practical experiences, we have said we do not want a situation we will have votes without voters, and that is a practice which is there in West Bengal. Votes without voters, and that is a practice which is there in West Bengal. इस वक्त हमारे साथ स्वप्नदास गुप्ता हैं, जिन्होंने जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर गए थे और वहां पर उन्होंने क्या मांगे रखी। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग में शिकायत करके लौटे हैं। हमारी संवाददाता पौलमी साहा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पौलमी, क्या बातचीत हुई, किस तरीके से ये शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या कुछ कहा गया चुनाव आयोग के भीतर? कुछ तीन मुद्दे उठाए गए हैं बीजेपी की इस डेलीगेशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन के सामने। एक तो जो हिंसा की वारदातें हैं जो पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स पॉलिटिकल वायलेंस के जो सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी ने मांग की है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट हो जानी चाहिए वेस्ट बंगाल में। एक बहुत ही अहम बात जो बीजेपी ने कही है इलेक्शन कमीशन को वो ये है कि सेक्शन 15 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत एमसीसी लागू हो सकता है ना। सेक्शन 15 का कहना यह है कि 6 महीने पहले ही, इस 6 महीने तक इलेक्शन से पहले ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो सकता है। तो वो बीजेपी की मांग है कि अभी से आप जल्द से जल्द हो सके तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू कर दीजिए। आमतौर पर यह होता है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तब लागू होता है जब इलेक्शन कमीशन लगभग 1 महीने पहले, इलेक्शन से 1 महीने पहले डेट्स की अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि एमसीसी अब से लागू हो गया विद इमीडिएट इफेक्ट। बीजेपी की मांग है कि आप अभी से कर दीजिए क्योंकि इसकी प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उनका यह भी कहना था कि वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक रिसेंट इवेंट में ममता बनर्जी से कहा है कि हम पूरी आप मदद करेंगे, आपकी पूरी जद्दोजहद में लग जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आप ही जीते ये इलेक्शन। इन एम्प्लॉयज फेडरेशन को किसी तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व ना करें इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस फोर्स एम्प्लॉयज वगैरह को इस्तेमाल करती है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो बीजेपी ने मांग की है कि इस वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन से जुड़े हुए किसी भी इंसान को प्रोसेस में, आप इलेक्शन कंडक्ट करने के प्रोसेस में मत इस्तेमाल कीजिए। सो ये मांगे हैं जो बीजेपी ने रखी है। और ये भी कहा है कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बन रहा है वेस्ट बंगाल में इस वक्त, जो तैयारियां हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि अचानक से नंबर्स बढ़ रहे हैं वोटर्स के, और बीजेपी की आशंका ये है कि शायद बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात पर आप उससे जानकारी चाहेंगे, जिन ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट उस वक्त जब कैलाश विजयवर्गीय का काफिला वहां से गुजर रहा था, उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी सुरक्षा को लेकर, क्या नाम लेकर उनके लिए भी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है?
जी अभी डिटेल्स जो बीजेपी ने दी है वो हमने आपको बताई है। जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ था वो तो उन्होंने जरूर एक मुद्दे के तौर पर सामने रखा है इलेक्शन कमीशन के, और जो हमने इनका मेमोरेंडम एक्सेस किया है उसमें उन्होंने उस पूरे अटैक को पूरी तरह से सामने रखा है और कहा है कि एक पुलिस कंटिंजेंट, बहुत बड़ा पुलिस कंटिंजेंट जो था वो उस वक्त वहां पर था, बट उन्होंने एक तरह से जो आरएएफ इंक्लूडेड है, जो रैपिड एक्शन फोर्स इंक्लूडेड है, पर वो एक मूक दर्शक की तरह जब ये वारदात हो रही थी तब वहां पर खड़े थे। दे वर साइलेंटली वॉचिंग, साइलेंट स्पेक्टेटर्स, दे रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर्स, ये उन्होंने मेमोरेंडम में अपने कहा है। और इनका कहना है कि ये दिस वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ तृणमूल एमएलएज हु ओपनली गेव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स इरेक्टेड ऑन द रोड। सो जो पुलिस जो एक तरह से खड़ी थी मुख दर्शक बनके, उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये तृणमूल के जो विधायक है, वहाँ के लोकल विधायक थे साउथ 24 परगनास के और आसपास के इलाकों के, इनके इंस्ट्रक्शंस पर पुलिस कुछ नहीं कर रही थी वहाँ पर, तो ये इन्होंने सामने लिखा है।